हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई किए होंगे और सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था, उतना टफ़ नहीं था। पेपर काफ़ी इजी था और सब लोगों ने, उम्मीद है कि अच्छे से मेहनत किया होगा और अच्छा पेपर करके आओगे। पेपर बहुत ही आसान था, तो हम लोग नीट 2023 का सोल्यूशन आपके सामने ले के आए हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पेपर वैसा ही था जैसा हर बार आता है, बहुत ही सिंपल था। जैसा हर बार आता है वैसा ही पेपर था, बिल्कुल बहुत ही सिंपल था। कुछ क्वेश्चन सेक्शन भी में कैलकुलेशंस थे, तो उनको आपको बाद में टच करना था। बाकी ऐसे तो ओवरऑल पे देखा जाए पेपर काफ़ी सिंपल था, एक घंटे में तो आराम से कर सकते थे, एक घंटे दस मिनट में आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो और वेटेज भी सब कुछ वही था, मॉडर्न से क्वेश्चन आया था, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया था, करंट से काफ़ी वेटेज देखा गया था, वो भी आया था। इस बार काइनेमेटिक्स का मेरे को वेटेज ज़्यादा दिखा, काइनेमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेटेज मिला जुला के सबका वही था। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया क्वेश्चन में, अ सीरीज एल सी आर सर्किट। इंडक्टेंस क्या दिया बेटा, 10 mH, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, 1 μF, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 100 ओम, कोई बुराई नहीं सर। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर, दो क्या दिया, फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या पूछा हमसे बेटा, फ्रीक्वेंसी पूछा है जहाँ पे रेजोनेंस अकर हुआ। निकाल लेंगे यार, हमें पता है रेजोनेंस कहाँ पे होता है, जब XL=XC हो जाता है, हाँ ना बोले यार। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं ωL=1/ωC, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं ω=1/√LC, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। लेकिन ये ओमेगा क्या है बेटा, ये ओमेगा तो सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो हमें पता है, क्या पता है, ω=2 क्या होता है, 2πf, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही सर। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ω/2π, कोई बुराई नहीं सर। तो लिख लो ये क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, ω/2π। इसको ऐसा लिख लो, ओमेगा लिख सकते हैं, √LC लिख सकते हैं, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही सर। तो ये 2π और यहाँ क्या आ गया, √LC, कोई बुराई नहीं सर। तो रखो इसको, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो 1/2π, 2π कोई बुराई नहीं। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, C दिया हुआ है, कोई बुराई नहीं सर। L कितना है, L की वैल्यू कितना है, 1 mH, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो mH लिख सकते हैं, यहाँ L क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻³ - 3 H, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा बताओ, कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 μF, मतलब 1 × 10⁻⁶ F, रख दो इसको, सब रख दो, कितना आ गया, 10 × 10⁻³ - 3 × 10⁻⁶, सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2π अंडर रूट, इसको डाल दो, ये तो एक कट जाएगा, दिया जाएगा जब इसको कितना जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 10⁻², आया यहाँ क्या जाएगा, 10⁻⁻, सॉल्व करो इसको, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 10⁴/2π, इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10⁴/2 × 3.14, सॉल्व करो सर, कितना आता है, 10 से काटो तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1.59 kHz, ये वाला आंसर आएगा आपका, कोई बुराई नहीं सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मिस होकर साइंस नहीं था, बस बार बार क्या पूछा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस बार क्या पूछ दिया, फ्रीक्वेंसी था, हमें इस बात को ध्यान देना था और क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन, इसको आम वर्ड्स में बोले तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन, इसमें कुछ है भी नहीं, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल। देखिए लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो ये करंट ऐसे बहाएगा और ये करंट ऐसे बहाएगा, तो नेट करंट इधर होगा, तो इस बैटरी को मैं ऐसे बना सकता हूँ, हाँ ना बोले यार, ये कितना हो गया, 5 वोल्ट का बैटरी। अब देखो ये एक कितना होगा नीचे, 10 ओम का करंट, ये कितना हो गया, 10 ओम का करंट, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। ये ए, ये बी और ये कहीं बीच में ई होगा, कोई बुराई नहीं। तो आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा वी नेट बाई आर, तो आई क्या आ जाएगा, वी नेट कितना है, 10, वी नेट कितना हो गया बेटा, 5 हो गया ना, 5/10 कितना आ गया,
0.5 एम्पीयर। भैया कैसे, ए से बी की तरफ, इधर से आए हायर पोटेंशियल इधर है ना, तो ए से बी की तरफ, तो 0.5 ए टू बी थ्रू ई, ये वाला आपका आंसर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, अ गैल्वेनोमीटर क्या दिया, देखो देखो क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और देख के आंसर है, देख के आंसर है। अ गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब जो पोटेंशियल मान लो अगर इसको जीरो होती है 2 वोल्ट, तो यहाँ भी 2 वोल्ट हो, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियल वही होगा, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। अब इसके थ्रू करें मतलब इधर करंट नहीं बह रहा है, मतलब इस साइड करंट अगर नहीं जा रहा, मतलब पूरा का पूरा क्या इधर जा रहा है, ना बोले यार, मतलब जो भी इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है पूरा का पूरा इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, क्यों क्या बोल रहा है, बोल रहा है गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, करंट क्या हो जाएगा बेटा इसमें, आई क्या हो जाएगा बताओ, 10 - 2/400, दिस शुड बी इक्वल टू कितना जाएगा बताओ, 2/R, इक्वेट कर दो कितना जाएगा, ये 8/400 शुड बी इक्वल टू 2/R, काटो इसको 4, इसको काटो 100, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया 100 ओम। ये वाला आपका आंसर होगा बेटा, ये वाला आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, देखो आप कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए। अब करंट का बेटा देख रहे हो, अभी तक 2 क्वेश्चन करंट का आ चुका है, मतलब करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, कोई बुराई नहीं सर, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट, देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दिया हुआ, सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। हमें पता है वीआरएमएस क्या होता है, पता है सर, वीआरएमएस होता है अंडर रूट 3RT/m, मतलब ऐसे बोल सकते हैं वीआरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। अब गेम कर दो इसके साथ, पहले क्या है v, पहले मान लो v है तो क्या आ जाएगा रूट टी, कोई बुराई नहीं। अब ये हमें याद रखना, ये टेम्परेचर में किस में होना चाहिए, केल्विन में, किस में होना चाहिए, केल्विन में। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। अब क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है कि देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब पहले v था, इंक्रीज मतलब क्या, v प्लस 3v इक्वल टू कितना हो गया, अब हमें ये t निकालना है, यही T1 हम लोग को निकालना। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, V/4b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये T - 53 मतलब कितना आएगा 223/T। सॉल्व कर लो इसको, ये कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/16 इक्वल टू 223/T। सॉल्व कर लो इसको, T कितना हो गया 16 × 223। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, इसको सॉल्व कर दो, 223/16 = 48 के 8, बाकी बचा 4, कितना बचा है 13, 223/8, 6, 5, 3 ये आ गया, इसको माइनस कर दो, -273 - -273 5, 9, 2, ये वाला आंसर आएगा आपको, है कि नहीं। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें डिग्री सेल्सियस में, यहाँ से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा केल्विन में, ये आपका आंसर होगा। कितना आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं कन्वर्जेंस थे और कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं था। आप यहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते हैं, अगर ये आ गया इसको जब माइनस करेंगे तो 300 के आसपास आना चाहिए था, ये वाला आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बुराई नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, MK² है ना बोले यार, बिल्कुल सही। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट I/m। सॉल्व कर लो इसको, तो K1 क्या जाएगा, पहले बात करें सोलिड स्फीयर का, K1 हो जाएगा सोलिड स्फीयर का, तो क्या जाएगा
आई ऑफ सॉलिड स्फीयर बाई एम अपॉन के टू ऑफ होलो स्फीयर का, ये क्या आ जाएगा, आई ऑफ होलो स्फीयर बटा एम, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही, यहाँ सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, के ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन के ऑफ होलो स्फीयर, कोई बुराई नहीं सर, रखो इसका। सॉलिड स्फीयर कितना होता है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, देखेंगे टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर बाई एम, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करो किससे, होलो स्फीयर का, कितना देगा, टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर बाई एम, काटो इसको, ये तो कितना आएगा, और ये तो शायद के ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन के ऑफ होलो स्फीयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे लेगा थ्री बाई फाइव, मतलब के ऑफ सॉलिड स्फीयर, मतलब के ऑफ सॉलिड स्फीयर इज टू के ऑफ होलो स्फीयर इक्वल टू कितना हो गया, रूट थ्री इज टू रूट फाइव, रूट थ्री इज टू रूट फाइव, मतलब ये आंसर नहीं दिया है, मतलब शायद बोनस होना चाहिए, क्वेश्चन कहना चाहिए बोनस होना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता आई ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन आई ऑफ होलो स्फीयर, तब तो आता थ्री टू फाइव, लेकिन ये रूट थ्री टू फाइव वाले, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, बोनस होगा, ये क्या होगा, बोनस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्नोट इंजन, अब देखो क्या दिया हुआ है, थर्मो से क्वेश्चन आ गया, अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, कितना एफिशिएंसी बेटा 50%, व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर, देखो सोर्स टेम्परेचर कितने पे है 327 डिग्री पे, ये सोर्स टेम्परेचर कितने पे है 327 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक का क्या टेम्परेचर होगा, हमें वो निकालना है, निकाल लेंगे यार, ये मान लो ऐसे सोर्स का टेम्परेचर है T1, यहाँ से आ रहा है, ये इंजन है, इस पर क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, वर्क डन करेगा, क्या करेगा, वर्क डन करेगा, हाँ ना बोले यार, और यहाँ जो टेम्परेचर कहाँ मिल जाएगा हम लोग को, सिंक को, ये क्या हो जाएगा सिंक, और ये क्या हो जाएगा सोर्स, ये क्या हो जाएगा सोर्स, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 1 - T2/T1, कोई बुराई नहीं सर, एफिशिएंसी कितनी 50%, मतलब 50/100 इक्वल टू 1 - T2/T1, कितना दिया होगा, जोड़ दो उसको 327 + 273, जोड़ दो उसको तो कितना देगा, ये 1/2 इक्वल टू 1 - T2/, ये कितना देगा 600, कोई बुराई नहीं, सॉल्व कर लो इसको, कर लो इसको, कितना देगा ये 600 - T2/600 इक्वल टू 1/2, ये कितना देगा 300, सॉल्व कर लो इसको, तो T2 कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, तो T2 केल्विन में कितना हो जाएगा 300 - 273, कितना जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, कितना जाएगा बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आंसर होगा। कुछ था क्या, बस कैलकुलेशन था और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही आसान था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, देखो क्या दिया बेटा, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड, कितना दिया हुआ है, एट अ स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड, कोई बुराई नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द बुलेट, बुलेट की क्या मैक्सिमम हाइट होगी, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही, जी दो क्या दिया हुआ है, हमें ये लेना है, कोई बुराई क्या दिया हुआ है, हमें पता है मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्सिमम फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g इक्वल टू क्या, यू कितना वैल्यू दिया हुआ है 280 का होल स्क्वायर इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 10, सॉल्व करो इसको, 10 नहीं 9.8 लेना है, क्या लेना है 9.8, तो 9.8 ले लो यार इसको, 9.8 ले लो यार इसको, 9.8 ले लो, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा 1000 के अप्रॉक्स आएगा, कितना आएगा बेटा 1000 मीटर, काट लेना 7 से कट जाएगा ना, 7 × 28 और ये 14 मरते हुए फिर तो कट जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब ये किसका था, काइनेमेटिक्स का, प्रोजेक्टाइल का, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग पहली क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, पढ़ो इसको, पढ़ो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या दिया, दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, कोई बुराई नहीं सर। ये किससे आ गया, ये आ गया डायपोल से। किससे आ गया, डायपोल से, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट से। है ना, बोले यार बिल्कुल सही। द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा 2×10⁵ N/kg। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क कितना है बेटा 4 Nm। है ना, बोले यार बिल्कुल सही सर। कैलकुलेट द मैग, अब देखो चार्ज पूछा है ऑन द डायपोल, हमें पता है सर लेंथ दिया हुआ है 2 cm, हमें पता है सर क्या पता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। है ना, बोले यार बिल्कुल सही। तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, और क्या ले सकते हैं टॉर्क को, ले सकते हैं टॉर्क को पी के, ले सकते हैं क्यू एल ई साइन 30। है ना, बोले यार बिल्कुल सही, कोई बुराई नहीं सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब सबकी वैल्यू दे रखी, रख दो कितना दे रखा है बताओ, टॉर्क कितना दे रखा है 4 Nm, ये 4 हो गया। क्यू एल की वैल्यू कितना दे रखा है 2 cm, 2×10⁻², इंटू ई, ई कितना दे रखा है 2×10⁵, इंटू साइन 30 1/2। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, ये 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 10�³ आएगा ये। है ना, बोले यार बिल्कुल सही सर, 10�³। और ये कट रहा है ये 2 times, तो कितना आ गया 2/10³, मतलब 2 mC, 2 mC। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर होगा। उम्मीद है सब लोगों ने किया होगा इसको, सब लोगों ने किया होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था, टॉर्क से निकाला, फिर यहाँ से क्यू पूछ लिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है यार, वही तो करता है। है ना, बोले यार बिल्कुल सही बात है, ऑप्टिकल रेडिएशन को तो इलेक्ट्रिसिटी में, ये तो फोटोवोल्टिक सेट करता है, बिल्कुल सही बात है। अ जेनर डायोड इज डिजाइंड, जेनर डायोड तो रिवर्स बायसिंग के लिए डिजाइंड है ना। है ना, बोले यार, है ना, बोले यार बिल्कुल सही सर, इसी के लिए डिजाइन है जेनर डायोड, कोई बुराई नहीं सर। आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं, तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही, दोनों सही है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ करेक्ट, दोनों सही है, पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही, सॉरी दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों कौन, अरे यार दोनों एक्सप्लेन कर रहा है पर सही नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये फोर्थ होगा, दोनों सही है, दोनों सही है। चलो अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या दिया हुआ है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर। अब अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन से किससे होता है, रैंडम एरर ही होता है। है ना, बोले यार बिल्कुल सही, हाँ भूकंप आ जाए तो फ्लक्चुएशन होगा, किस कारण होगा, रैंडम एरर के कारण होगा। है ना, बोले यार बिल्कुल सही यार, कोई बुराई नहीं। अब देखो आप खुद देखो करंट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, करंट से बहुत कुछ, मतलब करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे ध्यान से हमें पढ़ना है। चलो देखो इसको, करंट आपने देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है। है ना, बोले यार बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन किससे आ गया, वेव से, किससे आ गया, वेव से, लास्ट में साउंड वेव से। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय द ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का, ओपन ऑर्गन पाइप का क्या होगा, V/12 अपॉन एन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या होगा बताओ, V/4 सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, एन ओपन ऑर्गन पाइप अपॉन एन क्लोज ऑर्गन पाइप कितना आएगा बेटा, सब कट जाएगा, वी कट जाएगा, LL कट जाएगा, कितना आएगा, ये 2 times कट जाएगा, 2:1 कितना आएगा बेटा, 2:1। है ना, बोलो यार बिल्कुल सही, मतलब ये वाला होगा, कोई बुराई नहीं सर, इसमें कोई बुराई नहीं सर, कोई बुराई नहीं सर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, मान लो हमें पता है क्लोज सरफेस के थ्रू नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 0, B/dA कितना होता है, 0। है ना, बोले यार बिल्कुल सही, तो ये अपना आंसर होगा, कोई बुराई नहीं सर। इसे तो
क्लास में कराया गया, वो पहली क्लास में सब कराया जाता है, हम लोग पहली क्लास में सब कराते हैं। लेक्चर नोट का सवाल है ये सब, अभी तक जितने सवाल किए हम लोगों ने सारे लेक्चर नोट से, ये लेक्चर नोट का, ये लेक्चर नोट का, सारा लेक्चर नोट का सवाल है। चलो आगे करते, फिर दिखाऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते फिर दिखाऊंगा आपको। आगे आ गया मॉडर्न से, ये पहला क्वेश्चन का सवाल है। क्या आ गया मॉडर्न का? वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल फाइन नॉट सीजियम का कितना दिया हुआ है? सीजियम कितना दिया हुआ है? 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर फाइन नॉट किसका दिया हुआ है? पोटेशियम का। कितना दिया हुआ है फाइन नॉट पोटेशियम का? 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर फाइन नॉट किसका दिया हुआ है? सोडियम का। क्या दिया हुआ है? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिया हुआ है द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इंसिडेंट एनर्जी। क्या दिया हुआ है? जो रेडिएशन है उसका एनर्जी क्या दिया हुआ है? एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या दिया बेटा? 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विच ऑफ दिच फोटो सेंसिटिव सरफेस मे इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा? हमें पता है, हमें पता है कि एक फोटोन एक को ही एनर्जी देता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देता है, ऐसा अपन पढ़े हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही सर। मतलब अगर उसको निकलना है तो एच म्यू है क्या बड़ा होना चाहिए? फाइन नॉट से। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए फाइन नॉट से, तभी फोटोन निकलेगा, नहीं तो फोटोन निकलने का कोई भी चांस नहीं है। कोई बुराई नहीं सर, यहाँ तक कोई बुराई नहीं सर। मतलब अब देखो एनर्जी किसके फाइन नॉट से बड़ा है? बस हमें तो सीजियम ही लग रहा है यार, इन सबसे छोटा है, हमें किससे लग रहा है? सीजियम से ही लग रहा है। तो किससे निकलेगा? बस सीजियम ओनली। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, डैम श्योर है, डैम श्योर है। हम बल्कि हम ये देख रहे हैं कि काइनेमेटिक्स का सेक्शन ज़्यादा, काइनेमेटिक्स के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस विद एक्सरे से क्वेश्चन आ गया, कंटिन्यूअस एक्सरे से। ये फोटो इलेक्ट्रिक का उल्टा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा होता है। हाँ बोले यार, ये मान लो ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ से वोल्ट दिए तो इसके काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। हाँ बोले यार, तो काइनेटिक एनर्जी का जो भी लॉस होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो किससे जाएगा? उसके एनर्जी में जाएगा। हाँ बोले यार, बिल्कुल सही। मतलब जो भी इसका एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो भी इसके अंदर जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? उसके एनर्जी में जाएगा। हाँ बोले यार, एनर्जी ऑफ फोटोन। कोई बुराई नहीं। आप काइनेटिक एनर्जी आप क्या दे रहे हैं? वी वोल्ट दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ई इंटू वी। हाँ बोले यार, बिल्कुल सही। ई इंटू वी इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा? एच सी वाई ई वी। हाँ बोले यार, बिल्कुल सही। मतलब लैम्डा जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये वाला आपका आंसर होगा। कोई बुराई नहीं सर। मतलब कंटिन्यूस, मतलब एक्सरे से बहुत सारे, बहुत टाइम सवाल नहीं पूछा था, बहुत टाइम से पूरा सवाल नहीं पूछा था, इस बार उन्होंने एक्सरे से भी सवाल पूछ लिया। मतलब अब हमें यह समझ में आ गया कि एक्सरे भी आपको पढ़ना है। वैसे हम लोग पढ़ाते हैं, मैंने एक्सरे पढ़ा रखा है सारी चीज़ें, तो एक्सरे हम लोग ऑलरेडी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको आपको एक्सरे भी पढ़ना है। हाँ बोले यार, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ 12 वोल्ट बैटरी एंड इतना वॉट लैम्प, इतना वॉट लैम्प इज कनेक्टेड थ्रू अ सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी रिमेंस एट इतना वोल्ट। हाँ बोले यार, एज्यूमिंग दैट ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, क्या है ट्रांसफार्मर? आइडियल। वॉट करेंट इन द प्राइमरी सेकेंडरी, निकाल देंगे यार। मान लो सर ट्रांसफार्मर ऐसा, क्या बेटा ट्रांसफार्मर है, ये क्या है बेटा ट्रांसफार्मर है। हमें पता है आइडियल है, मतलब पी इन शुड बी इक्वल टू पी आउट। आइडियल ट्रांसफार्मर क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर कैसा है? आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर। हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही। अब पी आउट कितना दे रखा है? 60 वॉट। हमें क्या निकालना है? करंट थ्रू प्राइमरी निकाल लेंगे यार। इसे ले सकते हैं आई एस इन टू वी एस इक्वल टू, ये हो गया। तो आई पता है, आई कितना दिया? हाँ वी एस दिया 20, तो आई एस निकालना है। आई एस इन टू 220 इक्वल टू 60। तो आई प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी है ना,
आई प्राइमरी क्या जाएगा बेटा 60 अपॉन 220, सॉल्व करो इसको, 3 अपॉन 11, अच्छा 0.27 आएगा ना, एक रहा दुनी 22, हाँ 0.27 आएगा, ये वाला आएगा आंसर। कोई बुराई नहीं, कैलकुलेशन है, क्या है बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। मतलब सेक्शन ए तो आप एक टेक में ही कर सकते हो, एक टेक में ही कर सकते हो। देखो फिर करने का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, लाइट से क्वेश्चन आ गया, किससे आ गया, लाइट से क्वेश्चन आ गया, रिफ्रैक्शन से पढ़ो। अ लाइट वेव, देखो क्या लिखा, ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस इन टी वन टाइम, वी वन कितना हो गया, वी वन हो गया एक्स बाई टी वन, हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही। एंड टेन एक्स टाइम इन टी टू, मतलब वी टू क्या हो गया, वी टू हो गया टेन एक्स वाई टी टू, कोई बुराई नहीं। डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, मतलब ऐसे आ रहा है, क्रिटिकल एंगल पूछा, मतलब टी आई आर हो रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही, लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो थीटा सही होता था, कोई बुराई। ये रहा डेंसर मीडियम और ये रहा रेयर मीडियम, कोई बुराई नहीं सर, कर लो इसको। एन डेंसर इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू एन रेयर इंटू साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, कोई बुराई नहीं सर। मतलब थीटा सी क्या हो गया, साइन इनवर्स एन आर अपॉन एन डी, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। आप हमको पता है एन क्या होता है, सी वाई वी, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो इसको क्या ले देंगे, इसको ले देंगे थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स। अब ये क्या है एन आर और ये क्या है एन डी, तो एन आर क्या हो जाएगा इसमें, ये होगा एन आर और ये होगा एन डी, तो ये क्या जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इनवर्स पोर्शन, तो ये नीचे हो जाएगा वी डी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा वी आर और ये क्या हो जाएगा वी डी, इनवर्स पोर्शन है ना, एन एच इनवर्स पोर्शनल टू क्या है वी, या सी अपॉन वी भी कर सकते हो, सी अपॉन वी आर, तो वी आर नीचे जाएगा तो सी अपॉन सी सी कट जाएगा, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। अब रख लो इसको थीटा सी, ये डेंसर मीडियम था तो कितना देगा, ठीक है साइन इनवर्स कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा, ये तो कर लोगे आप साइन इनवर्स, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही, साइन इनवर्स, कोई बुराई नहीं सर, साइन इनवर्स। वी डी, वी डी कितना है बेटा, वी डी कितना है, वी डी ये डाल लो, वी डी ही तो वी डी है, डेंसर ही तो है, टेन एक्स अपॉन टी टू इंटू, अब वी आर देखिए है एक्स इंटू टी वन, ये कट गया, कोई बुराई नहीं। तो थीटा सी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टेन टी वन अपॉन टी टू, टेन टी वन अपॉन टी टू, ये वाला आपका आंसर होगा, कोई बुराई नहीं। बस हल्का सा कैलकुलेशन था, हल्का सा आपको ये समझना था और हल्का सा आपको ये समझना था। ये हम लोग लाइट में ही कराते हैं, पहली क्लास में ही कराते हैं इवन वेब में बता देते हैं, इलेवेंथ में ही हम लोग वेब में बता देते हैं, ताकि जब बच्चा जब लाइट पढ़े, रे ऑप्टिक्स पढ़े, तो उसे बहुत ही आसान लगे, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग बहुत खतरनाक क्वेश्चन करा चुके हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, पढ़ो क्या दिया हुआ है। अ मेटल वायर हैज मास, मास ये दिया हुआ है, कोई बुराई, एंड रेडियस ये दिया हुआ है, लेंथ ये दिया हुआ है, कोई बुराई नहीं सर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो डेंसिटी कह सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, देखो क्या दिया हुआ है, वायर दे दिया हुआ है, अब देखो लेंथ और रेडियस के टर्म में दिया हुआ है, कोई बुराई नहीं, तो हम लेंथ और रेडियस के टर्म में लिख देंगे, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। लिखो इसको पाई आर स्क्वायर इंटू एल, लिखो पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिखो और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो पहले आप लोग, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, मास अपॉन वॉल्यूम क्या क्या बताओ, बताया तो था पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सब लोगों ने कर लिया होगा, है कि नहीं। हमें अब क्या लिखना है, डेल्टा हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा डी अपॉन डी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस टू टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, सबकी वैल्यू रखो यार, डेल्टा डी अपॉन डी सबकी वैल्यू रखो यार, वैल्यू रखो सबको, कितना देगा बताओ, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है 0.002 अपॉन 0.4 प्लस है ना, सॉरी प्लस टू टाइम्स डेल्टा आर, ये रेडियस है ना, तो कितना देगा
0.001 अपॉन 0.3 प्लस, कोई बुराई नहीं। अगला क्या दिया हुआ है, लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 0.002 अपॉन 5, कोई बुराई नहीं। अब इन सबको कर दो मल्टीप्लाई 100 से, कोई बुराई नहीं। सॉल्व कर लो इसको, डेल्टा डी अपॉन डी का परसेंटेज, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व कितना आएगा ये तो 1/2% आया, कितना जाएगा ये 1/2%, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2/3%, और ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2/5%, 2/5%। सॉल्व करो इसको तो कितना आएगा 1.6 के आसपास आएगा। कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने क्लास में कितना भयानक भयानक सवाल कर रखा है और कितना इजी सवाल पूछा है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया, ठीक है। इफ़ स्क्रीन इज मूव्ड, अच्छा स्क्रीन को मूव कर दिए, मतलब डी चेंज हो रहा है, ये स्क्रीन और ये डबल स्लिट, मतलब ये डी चेंज हो रहा है, ये चेंज मतलब डी कैपिटल डी चेंज हो रहा है, हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही, कैपिटल डी चेंज हो रहा है। इफ़ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो सही बात है यार, एंगुलर फ्रिक्वेंसी थीटा ओमेगा क्या होता है, क्या होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये तो कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा हम लोग लेक्चर और भी लिखा रखे हैं सारी बात, हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही बात है, पहला सही। दूसरा, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज प्लेस्ड बाई अनदर मोनोक्रोम, मतलब अब सोर्स को चेंज कर दिए, सोर्स को चेंज कर दिए, ऑफ लार्जर वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ क्या है लार्जर, बिल्कुल सही यार, थीटा ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तभी तो हम लोग रेड लाइट यूज करते थे क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता था, ना बोले यार, द एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज डिक्रीजेस, बिल्कुल सही, गलत बात है, ये तो ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा दोनों तो बिल्कुल। दूसरा फॉल्स, ये सही होगा, पहला सही है दूसरा फॉल्स, ये वाला आपका आंसर होगा, ना बोले यार, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, कोई बुराई नहीं सर। इन हाउ मच टाइम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 116, मतलब यह आ रहा है आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू हाफ लाइफ टी अपॉन टी, पढ़ रखे हम लोग, आना बोले यार, और ये टी कितना दिया हुआ है 20 मिनट, आना बोले यार, बिल्कुल सही। और ये इसकी वैल्यू कितनी रखी, कितना ड्रॉप होना है 116, तो 1/16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/20, सॉल्व कर लो इसको, ये कितना जाएगा 1/2 की पावर 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर t/20, सॉल्व कर लो इसको, 1/4 इक्वल टू t/20, इसको सॉल्व कर लो पांच मरते में, तो t कितना है, अरे सॉरी ये 4 होगा ना बेटा, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, देखो ये ध्यान देना है, कैलकुलेशन को ध्यान देना, देखो भी ऑप्शन में होगा शायद, नहीं पांच ऑप्शन में नहीं है, तो पांच गलत भी हो सकता था, कैलकुलेशन ध्यान देना है, यहाँ कितना जाएगा ये 4 हो जाएगा, कोई बुराई नहीं। तो 4 शुड बी इक्वल टू t/20, तो t कितना आ गया 80 मिनट, t कितना आ गया 80 मिनट, कोई बुराई नहीं सर, यहाँ तक कोई बुराई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही सिंपल सवाल है, आना बोले यार, बिल्कुल सही, ये कैसे हैं पैरेलल में, तो इसका इक्वलन क्या हो जाएगा ऐसे और ऐसे, ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेट और ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेट। अब सीक्वेंट निकाल लो, सीक्वेंट कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेट इंटू 6 माइक्रोफेरेट अपॉन 3 माइक्रोफेरेट प्लस 6 माइक्रोफेरेट, है ना बोले यार, बिल्कुल सही, पढ़ाया गया आप लोग, क्योंकि इसमें सीरीज में, पहले किसमें पैरेलल में, साथ में किसमें सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है सीक्वेंट का पता है हम लोग को ये सब, है ना बोले यार, ये सब चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाए हैं हम लोग, बहुत पढ़ाए हैं हम लोग, खाना बोले यार, बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी इक्वलेंट इक्वल टू कितना जाएगा 3 माइक्रोफेरेड इंटू 6 माइक्रोफेरेड अपॉन 9 माइक्रोफेरेड, ये कट गया 3 3 9 और 3 2 6, तो सी इक्वलेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा भी देखो ना, इसके साथ ये लगा हुआ है, जब सीरीज में रहता है तो सी इक्वलेंट हमसे क्या होता है कम होता है,
तो कम तो यही आएगा ना, तीन से हमेशा कम होगा, इस सीरीज में आ गया। अब इसका जो सी इक्विवेलेंट है हमेशा इससे कम आएगा, तो कितना आएगा 2 माइक्रोफेरेड। ऐसे भी देख सकते हो आप, एक ही ऑप्शन था, आप डायरेक्ट मार देते, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया बेटा, दिया हुआ रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर कंबाइंड टू फॉर्म कलर कोड। हाँ ना, बोले यार ये दोनों तो कलर कोड डिपेंड करता है, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट। क्या पूछा हमसे, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 2 × 2 × 10 की पावर, बेसिकली ऐसे लिख के देना चाहिए उसको। हाँ ना, बोले यार अब हम लोग निकाल देंगे उसको, बीबी रॉय वाला, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड बाय कर लेना आप लोग, जरूरत भी नहीं उसका, वेरी गुड बाय। हमें क्या, ये थर्ड वाला मल्टीप्लायर, ये फर्स्ट डिजिट होता है, यहाँ सेकंड डिजिट होता है, थर्ड क्या होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर थर्ड क्या होता है बेटा, मल्टीप्लायर होता है ना, याद है थर्ड डिजिट क्या होता है मल्टीप्लायर, MULTA मल्टीप्लायर। है ना, बोले यार तो 0, 1, 2, 3 तो 10³ क्या आएगा, ऑरेंज, क्या आएगा ये ऑरेंज होगा। है ना, बोले यार बिल्कुल सही सर, कोई बुराई नहीं, इससे तो पूछता ही पूछता है कलर कोड से। अब आप देख लिए होगी करंट कितना इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन इस बार भी पूछा है, करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी, कोई बुराई नहीं सर, ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो XC क्या होगा, 1/ωc, इस कर सकते हैं 1/2πfc। अब ये बढ़े घटेगा तो XC क्या होगा बेटा, XC बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही, हमें पता है चार्जिंग के टाइम पे, कहाँ पे चार्जिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग चार्जिंग IC इक्वल टू ID। हाँ ना, बोले यार वो क्या हो जाएगा, V0 sin ωt/XC, कोई बुराई नहीं। अब देखो XC बढ़ रहा है तो ID क्या होगा, कमेगा। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, कमेगा, और IC भी क्या होगा, कमेगा। अब देख लो क्या क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज, ये तो गलत हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज तो सही है, कैपेसिटिव रिएक्शन रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये भी गलत हो गया, बढ़ रहा है ना। हाँ ना, बोले डिक्रीजेस गलत है, बढ़ रहा है ना। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, एक वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो वही दिया है, पता नहीं कितनी बार पूछा है, फिर काइनेमेटिक्स पता नहीं कितनी बार पूछा है। है ना, बोलिए हाफ डिस्टेंस चला वी से एंड रिमेनिंग हाफ के चला 2V से, द एवरेज वेलोसिटी है पता है, वी एवरेज कैसे निकाल देते हैं, 2V1 V2/V1+V2, याद है ऐसे करते सॉल्व, यहाँ से यहाँ ये एक्स और ये एक्स, यहाँ V1 से और यहाँ V2 से, तो वी एवरेज क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही, कोई बुराई नहीं सर, तो टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम, x/V1+x/V2, इसको सॉल्व करते थे ये वाला आता था, याद है। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही, रख दो इसको 2V × V1 × V2V/3V, सॉल्व करो इसको, ये कट गया, कितना आ गया ये 4V/3। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही हमारा आंसर होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। देखो क्वेश्चन पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोप बबल इसको पढ़ना, सोप बच्चे बहुत सारे सिमकन कन्फ्यूजन गलती किए होंगे, सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन नियरली सरफेस टेंशन। खाना बोले यार तो एनर्जी क्या देगा, एनर्जी क्या देगा, एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। खाना बोले यार लेकिन यहाँ पे सोप बबल है तो सोप बबल में कहाँ होता है, एक अंदर का एक बाहर का, दो लेयर होता है, कितना होता है दो लेयर, एक अंदर का और एक बाहर का, दो लेयर होता है। खाना बोले यार तो ये सोप बबल का क्या हो जाएगा, सोप बबल का क्या हो जाएगा, टू इंटू टी इंटू सरफेस एरिया, सॉल्व कर लो इसको, 2 × t की वैल्यू कितना रखा है 0.03 इंटू सरफेस एरिया 4πr² आर की वैल्यू कितनी रखी है 4πr², सॉल्व कर लो इसको 2 × 0.03 इंटू 4π इंटू r² आर की वैल्यू कितनी रखी है यार 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100, सॉल्व कर लो इसको।
कितना देगा, अच्छा 3 × 6 6 × 24 24 और 4 96 × 3 ये आएगा, माइनस फोर चला जाएगा ना, ये आएगा 3.10। कोई बुराई नहीं, यहाँ जाएगा 96 × 3π तो ही आएगा, कोई बुराई नहीं। कैलकुलेशन था कुछ भी इसमें नहीं था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन पूछता और फिर इस बार टच किया। आई बात समझ में, है ना, बोलो यार बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, फाइनली उससे ही पूछ लिया, फ्लूइड से बहुत लंबे टाइम से क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार पूछ लिया। क्या दिया हुआ है, एवेंचुरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, किस पर वर्क करता है एवेंचुरोमीटर, बर्नौली पे। बेसिकली वो एनर्जी पे वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन में वर्क करता है, मतलब वो प्रिंसिपल किसका है, बर्नौली का है, वही तो एनर्जी को कंजर्व करता है ना, बोलो यार बिल्कुल सही सर। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि फ्लूइड से क्वेश्चन पूछ ही लिया, बिल्कुल बेटा मैं ही कहना चाहता हूँ कि फ्लूइड से क्वेश्चन पूछ ही लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर किससे, मॉडर्न से, कोई बुराई नहीं सर। क्या लिखा हुआ है, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लेंगे यार, हमें पता है, क्या पता है, 1/λ = r z² 1/(n₁)² -1/(n₂)² कोई बुराई नहीं सर, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही। अब हमें पता है क्या बोला है, पहला बाल्मर सीरीज, हमें पता है लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही। मतलब बाल्मर पे क्या 2 पे आएगा, जो भी होगा इन्फिनिटी से कहाँ पे आएगा 2 पे, कहाँ लिखा, क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या पूछा हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट, मतलब ट्रांजिशन कहाँ से होगा, बाल्मर का ट्रांजिशन कहाँ से होगा, n = ∞ से 2 पे, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही सर। अब इसका देखो अगला क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट का, इसका भी कहाँ पे होगा, n = ∞ से n = 4 पे, इन्फिनिटी से कहाँ पे होगा, 4 पे, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही, रख दो यहाँ पे, रख दो यार यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, ये सबका तो 0 हो जाएगा, दोनों का इन्फिनिटी आएगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/λ = r z² / n² लिख सकता हूँ इसको, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही सर, कोई बुराई नहीं। अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, सबके लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब 1/λ इज डायरेक्टली क्वेश्चन को क्या जाएगा, 1/(n²), हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही। ये क्यों हटा दिया, ये इसलिए हटा दिया कि सारा का ट्रांजिशन इन्फिनिटी से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इन्फिनिटी से हो रहा है, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही सर, कोई बुराई नहीं। तो 1/λ = कितना हो जाएगा, 1/(2)² और 1/λ = क्या जाएगा, 1/(4)² सॉल्व करो इसको तो कितना हो जाएगा, λ/λ = कितना हो जाएगा, ये λ/λ ये कितना हो जाएगा, 1/4 और ये कितना देगा, 16, ये हो जाएगा 4, तो λ- कितना हो जाएगा, 4 times λ, ये आपका आंसर होगा। मतलब मॉडर्न से तो क्वेश्चन पूछता है 2-3, इस बार भी पूछ लिया, कोई बुराई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न का अच्छा खासा वेटेज है। अगला दिया हुआ है स्प्रिंग से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग वेन स्ट्रेच बाई 2 cm इज यू, हमें पता है यू क्या होता है, 1/2 kx², कोई बुरा, ये तो कॉन्स्टेंट है, डायरेक्ट लिख दूँ यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही। तो अब क्या लिख देंगे, u/u₁ = x, एक्स कितना दिया हुआ पहले कितना दिया हुआ 2 cm, अब बाद में कितना दिया हुआ है 8 cm, मतलब लिख सकता हूँ x₁ लिख दूँ मैं इसको डायरेक्ट, x₁ ठीक है, x₁/x²² ठीक है, आ जाएगा u/u₁ = क्या जाएगा 2/8² इसको काटो 4 times, तो u₁ कितना आ जाएगा 16 times u, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही सर, कोई बुराई नहीं सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अभी तक आपने जितना देखा सब क्या है, बहुत ही आसान, कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव का ही क्वेश्चन आ गया, रेक्टिफायर का सेमीकंडक्टर क्वेश्चन आ गया, कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड, 2 PN जंक्शन डायोड बना हुआ है, सेंटर टेपर ट्रांसफार्मर इस बार, हाँ ना बोले यार बिल्कुल, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव्स AC रिपल, हमें पता है AC रिपल कौन रहता है, कैपेसिटर
ये तो पता ना हम लोग को, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही, ऐसे लगाते थे ना ट्रांसफार्मर, याद है इसका सर्किट? अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो सर्किट इसका, तो अगर सर्किट आपको धुआं धुआं से याद हो तो अपन ऐसा बताए थे, यहाँ यहाँ से लोड होता था, याद है? यहाँ पे लोड मेजर करते थे, याद है? रेजिस्टेंस, याद है? तो जब इसको सॉल्व करते थे ऐसा ग्राफ आता था, याद है? यहाँ से आउटपुट देते थे ना, इसके अक्रॉस के लेते थे अपन आउटपुट, है ना? बोले यार, अब अगर इसके अक्रॉस क्या लगा दिया अपन, इसके अक्रॉस लगा देते थे अपन कैपेसिटर, अब अगर कैपेसिटर लगा देते थे इसके अक्रॉस अगर कैपेसिटर लगा दिए, सपोज इसके अक्रॉस लगा दिए कैपेसिटर, तो अपना क्या होता था? अपना जो रिपल है ये एसी रिपल रहता था, ऐसा ऐसा आता था अपना, ऐसा आता था, याद है? तो कैपेसिटर क्या रहता है? एसी रिपल, कोई बुराई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, है नहीं है ना? बोले यार, कैरिंग करंट। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एल आई का स्क्वायर, हाफ इंटू एल, एल कितना है? 4 माइक्रो हेनरी, इंटू आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये काट दो, ये काट दो, कितना जाएगा? 8 माइक्रो हेनरी, 8 माइक्रो हेनरी, 8 माइक्रो जूल, सॉरी माइक्रो इंडिकेटर, माइक्रो जो एनर्जी है ना, 8 माइक्रो जो, इसमें बच्चा गलती भी कर सकता है, मिली फिर माइक्रो ही आएगा, कोई बुराई नहीं सर। अरे बस मुझे गलती नहीं करना था, मिली या माइक्रो दोनों दिया होता कंफ्यूज करने के लिए, और अगर आपने थोड़ा बहुत काट कूट दिया इधर उधर, इसको काट दिया तो 4 भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ऑप्शन सेट किया हुआ है, खैर उतना कन्फ्यूजिंग ऑप्शन नहीं है, पर थोड़ा बहुत ऑप्शन को ऐसे सेट किया है, कोई बुराई नहीं सर। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ई डॉट डी एस इज जीरो, मतलब जितना आ रहा है, जितना फ्लक्स आ रहा है उतना कहाँ हो रहा है? बाहर निकल रहा है। जितना फ्लक्स आ रहा है बेटा उतना क्या हो रहा है? सारा बाहर निकल जा रहा है, तभी तो पॉसिबल है, हाँ ना बोलो यार, तभी तो जीरो पॉसिबल है। मतलब द नंबर ऑफ लाइन्स इंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स लिविंग द फ्लक्स सर्फेस, है ना? बोलो यार, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्या दिया अगला क्वेश्चन, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, है ना? बोले यार, बिल्कुल सही, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, कहाँ मूव कर रहा है? फुटबॉल साउथ मूव कर रहा है, बना दो पहले, NESW, मैं आपको बताया वैसे याद करने के लिए, NESW, है ना? बोले यार, ऐसे याद रखेंगे, NESW या न्यूज़, कैसे न्यूज़ या रखो या NESW, मैं ज़्यादा बोलता हूँ न्यूज़ याद, कैसे रखो? NESW, साउथवर्ड चला गया, फिर क्या होगा? सडनली इट टर्न्स ईस्टवर्ड, अब कहाँ मूव कर गया वो? ईस्टवर्ड, कोई बुराई। जब भी ऐसा डायरेक्शन का क्वेश्चन आए समय हमेशा ये पहले प्लॉट कर लो, है ना? बोले यार, टू अवॉइड एन अपोनेंट, है ना? बोले यार, बिल्कुल सही, द फोर्स दैट एक्ट्स, अब देखो जिधर एक्सीलरेशन होता है फोर्स आएगा, जिधर चेंज इन वेलोसिटी आएगा, है ना? बोले यार, फोर्स क्या होता है? डीपी बाई डीटी, है ना? बोले यार, फोर्स क्या होता है? मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, है ना? बोले यार, ठीक है, एक्सीलरेशन ही तो है जिधर, मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है? चेंज इन वेलोसिटी के कारण, है ना? बोले यार, बिल्कुल सही। मतलब मैं अगर इसको बनाऊँ तो ये ऐसे है साउथवर्ड, अगर मैं ड्रॉ करूँ आपको, तो नीचे क्या है? साउथवर्ड, और इधर क्या है? ईस्टवर्ड, है ना? बोले यार, बिल्कुल सही। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? वी इनिशियल, ये तो वी फाइनल हो गया, और ये क्या है? वी इनिशियल, हमें चाहिए माइनस वी इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस वी इनिशियल, कोई बुराई नहीं सर। और ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का, रिजल्टेंट का, है ना? बोले यार, तो कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर? साउथ से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला आंसर होगा आपका, कोई बुराई नहीं। मेरा एक बच्चा है जिसको शायद जिसको 170 बोल रहा है, और ये क्वेश्चन गलत करके आया, सिंपल सा क्वेश्चन गलत कर दिया उसने, नॉर्थवर्ड मार दिया उसने, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, साउथ वेस्ट मार दिया सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बोला सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है, 170 आ रहा है उसका, 175 आ रहा है, बोल रहा है सर 170 एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हो, वही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये वाला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हो, खैर उसका सही ही होगा मेरे ख्याल से, ये वाला जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इंडक्टेंस वाला जो क्वेश्चन था वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, वो डिक्रीज ही होगा, किसी ने इंक्रीज दे रखा है, वो डिक्रीज ही होगा, किसी ने इंक्रीज दे रखा है,
ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लेट अ वायर। तो मतलब 170 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें पेपर बहुत ही आसान था। 170 175 पर आराम से ला सकते हो, 180 पर आराम से ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। इस पर बच्चा बहुत बच्चों ने 180 लाया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 170 तो मेरे बहुत सारे बच्चे लाए हैं, बहुत सारे 170 171 बहुत सारे लाए हैं। एक दो क्वेश्चन, एक बच्चा तो 180 ले आता, लेकिन उसने क्या किया कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में पुट कर दिया, एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में पुट कर दिया, तो उसके कारण वो दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो उसका 170 बना रहा है। बहुत ही आसान, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ गया, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। सीलिंग से सस्पेंडेड है, कोई बुराई नहीं सर। रिजिड सपोर्ट स्ट्रेच बाय अ वेज, W लिखा हुआ है, कोई बुराई नहीं। द फ्रेंड द लॉन्गिट्यूडनल, ये तो पहली क्लास में कराया है, पहली क्लास में ये कराया है, एट द पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमें पता है। अब इसका, इसमें कोई लेंथ वेंथ मास वास नहीं दिया, मतलब इसके अंदर स्ट्रेस क्या है, कॉन्स्टेंट है। हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या है, W अपॉन एरिया, तो W बाई A, कोई बुराई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। दे हुआ एन एंगुलर एसिलेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग। देखो क्या पूछा हुआ है, एंगुलर एसिलेशन क्या पूछा हुआ है। अब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा या अंदर होगा। आना बोले यार, तो एक्सिस के अलॉन्ग होगा। आना बोले यार, दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो होगा, कोई बुराई नहीं। वैसे कोई घूम रहा है तो कहाँ होगा इसका, बाहर ही तो होगा। आना बोले यार, या तो ऐसे बाहर होगा या ऐसे अंदर होगा, कोई बुराई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है सेक्शन, दिया हुआ है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स रेडियली विथ फ्रीक्वेंसी, इतना दिया हुआ है। एंड एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 48, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का निकालना है हमें, किसका दिया हुआ है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है। हाँ ना बोले यार, हमें पता है सी क्या होता है, इंजीनियर अपॉन बाबू। हाँ ना बोले यार, बताया था ऐसे, इंजीनियर अपॉन बाबू, या फिर ऐसे याद रखो इक्वल टू BC, जैसे आपको याद रखना है। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही सर। हमें क्या निकालना है, किसका दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है। तो बी नॉट क्या हो जाएगा, E0 by C। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तब E0 कितना है, E0 दिया हुआ है 48 अपॉन C, 3×10^8, ये कट जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा ये B0 कितना आ जाएगा, B0 आ जाएगा 1.6×10^-5 टेस्ला, -7 टेस्ला, 1.6×-7 टेस्ला। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही, कोई बुराई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ग्रेविटेशन से था, किसे था, ग्रेविटेशन से। किसी किसी सेट में ये पहला क्वेश्चन ही था, किसी किसी सेट में पहला क्वेश्चन था, जिसका 171 है उसके सेट में पहला क्वेश्चन ही था। तो क्या दिया हुआ है, टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। यहाँ मान लो m है और ये मान लो 9m है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। यहाँ मान लो कहीं है पता है, छोटे वाले के पास कहीं पर 0 होगा। हाँ ना बोले, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ये R1 और ये R2। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। हम कैसे निकालते थे, ज़्यादा कैसे निकालते थे, R1 ऐसे लिखे थे, √M1R/√M1+√M2। हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो R1 क्या आ जाएगा, √M1 डालो तो √MR/√M+√ और याद है इलेक्ट्रो में बताया था Q के फॉर्म में, याद है इलेक्ट्रो बताया था Q के फॉर्म में, यहाँ क्या जाएगा, MM के फॉर्म में। और में से 0 कहाँ होगा, जहाँ छोटा चार्ज है। हाँ ना बोलो यार, पता है हम लोग को ये सब। तो √9m सॉल्व करो, √M1 कट जाएगा, √M तो कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या जाएगा ये R/4। तो R1 क्या आ गया, R/4। तो R2 क्या जाएगा, R2 जाएगा R-R/4, 3R/4, कोई बुराई नहीं, सॉल्व कर लो। अब लिखना है आपका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, मान लो पॉइंट पी मान लो इसको, जहाँ पे 0 हुआ, कोई बुराई नहीं। तो क्या देगा, -GM/R1-G, यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, अपॉन R2। सॉल्व कर लो इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट पी
माइनस जी एम, ये क्या आ जाएगा आर वाई फोर माइनस जी इंटू नाइन एम थ्री आर बाई फोर, ये और ये कट जाएगा थ्री टाइम्स, तो पोटेंशियल एट पी कितना देगा माइनस फोर जी एम बाई आर, माइनस फोर जी एम बाई आर, यह क्या जाएगा माइनस ट्वेल्व जी एम बाई आर, सॉल्व कर लो इसको, पोटेंशियल एट पी कितना देगा माइनस सिक्सटीन जी एम बाई आर, ये आपका आंसर होगा, माइनस सिक्सटीन तो होगा यहीं पे, ये आपका आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे सेक्शन ए के, और देखे कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। चलो इसको सेक्शन ए को तब तक सेव कर लेते हैं, आप लोग कॉपी करें, तब तक मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलो बेटा सेव हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन की ओर। सेक्शन बी में बेटा ऐसा देखा गया है, सेक्शन बी में अपने ऐसा देखा गया है कि थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा हैं। सेक्शन ए में कैलकुलेशन आसान थे, सेक्शन बी में थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा है, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसी कैलकुलेशन है और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया हुआ है, इन अ फिगर शोन व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हमें पता है। अब इसको निकालेंगे कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और ये अंदर कैसा बन जाएगा, एक ये लेंस हो जाएगा L1, ये L2 और ये L3, और सबका दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कितना दिया हुआ 1.5, इसे कितना दिया हुआ 1.6, ये कितना हो जाएगा 1.6, ये कैसा लेंस हो जाएगा, है ना, बोले यार बिल्कुल सही, सॉरी ऐसा हो जाएगा ना, ये कितना देगा 1.6, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही, और ये क्या हो जाएगा 1.5, ये L2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 1.6, ये L3 हो जाएगा, हाँ ना बोले यार बिल्कुल। अब देखो इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया रेडियस दिया हुआ, रेडियस का रुचर वो गलत कमरे, हाँ दिया तो 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका तो होगा R इन्फिनिटी, क्या जाएगा इसका R इन्फिनिटी, और इसे कितना हो जाएगा R हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इन दोनों का बेटा R कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इन दोनों का R क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसका भी कितना हो जाएगा R, सब कुछ सेम दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इसका R क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही, हमें फॉर्मूला पता है, क्या बता बता, 1/f इक्वल टू म्यू ग्लास या म्यू माइनस वन सराउंडिंग के लेते हैं कि नहीं, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना बोले यार बिल्कुल सेम फॉर्मूला पता है। तो पहले निकालते हैं पहला लेंस का 1/f1 का म्यू माइनस वन, म्यू कितना है 1.6, ये ना 1.6 माइनस वन इक्वल टू 1/r1, r1 कितना है इन्फिनिटी माइनस, अब रे इधर जा रहा है तो ये क्या होगा प्लस होगा माइनस 1/20, सॉल्व कर लो इसे, ये तो ज़ीरो हो गया, तो 1/f1 कितना हो जाएगा 0.6 इंटू माइनस 1/20, ये कितना हो जाएगा माइनस 3/100 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं n/f2 की, F2 ये वाला हो जाएगा, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही, ये कितना जाएगा 1.5, अंदर कितना है 1.5 माइनस वन अपॉन 1/r1, इसके लिए प्लस और इसके लिए तो प्लस, रे जिधर जा रहा है उसको प्लस मानते हैं, इसके लिए तो प्लस और इसके लिए माइनस, तो 1/20 माइनस ऑफ माइनस 1/20, ये कितना जाएगा, ये 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20, 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा, ये 1/2 कट जाएगा, है ना, है ना बोले यार बिल्कुल सही सर, तो कितना जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, कोई बुराई नहीं सर प्लस में। अब 1/f3 निकालो, सिमिलरली 1.6 माइनस 1, अब 1/r1, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा,
ऐसे रह जा रहे थे तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस वन बाई ट्वेंटी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगा, कितना जाएगा ये माइनस थ्री बाई हंड्रेड सेंटीमीटर। अब एफ इक्वलेंट जोड़ दो सबको, वन अपॉन एफ इक्वलेंट इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री, तो वन अपॉन एफ इक्वलेंट माइनस थ्री बाई हंड्रेड प्लस वन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई हंड्रेड, सॉल्व कर लो इसको माइनस थ्री बाई हंड्रेड, तो बी पच्चीस सौ और ये छः माइनस वन बाई हंड्रेड आएगा, कितना आएगा एफ इक्वलेंट कितना आएगा माइनस वन बाई हंड्रेड, तो एफ इक्वलेंट कितना आ जाएगा माइनस हंड्रेड सेंटीमीटर, माइनस हंड्रेड सेंटीमीटर ये वाला आंसर होगा, है ना, बोले यार बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन बहुत था, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बाद में टच करना चाहिए, बाकी पहले पांचों को अटेम्प्ट करना देखना चाहिए कौन सा है और बाद में इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत है, तो ऐसे सारे सवालों को देखना है हमें, किसे अटेम्प्ट करना है किसे बाद में अटेम्प्ट करना है, आपको आता है आपको लालच भर रहा होगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता है मुझे करना है करना है करना है, पर बाद में करना है जब आपके पास टाइम हो सकता है, इससे क्वेश्चन आसान आसान हो, है कि नहीं, हमें पाँच ही तो पिक करना है, पाँच तो छोड़ना है, दस ही तो पिक करना है पंद्रह में, है ना, बोले यार बिल्कुल सही। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्स, देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये कर लेना था मैं, मूविंग इन अ कार फ्रॉम अ बॉडी लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड रिमेंस स्टेशनरी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द, देखो कार दिया हुआ हमें, ये वाला क्वेश्चन करना था, हम वो क्वेश्चन क्यों करेंगे, है ना, बोले यार जैसे मान लो कैटना कैब बैठी है, कैटना कैब ट्रक चला रही है ना, बोले यार बिल्कुल सही सर, यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये मान लो एक्सेलरेशन जा रहा है, अब ये जा रहा है तो इसे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इसमें, आगे लगेगा क्योंकि ये पीछे मूव करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आगे, है ना, बोले यार बिल्कुल सही, तो एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या जाएगा, एफ क्या जाएगा फ्रिक्शन क्या जाएगा बताओ, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एफ क्या होगा म्यू एम जी इक्वल टू मास इनटू ए मैक्सिमम, तो क्लास में कराया गया ये कट जाता है, तो ए मैक्सिमम किसके बराबर आता है म्यू जी के बराबर, ये तो क्लास में कराया गया, या फिर सुडो से कर लो, इधर लगा दो सुडो फोर्स, है कि नहीं, जैसे कर लो आपको, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा म्यूजिक के बराबर, अब लगा लो ए मैक्सिमम कितना देगा, म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.15 इंटू 10, तो ए मैक्सिमम कितना देगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, बोले यार बिल्कुल सही, कोई बुराई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सर्फेस ऑफ अ अर्थ विद टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है टी, है ना, बोले यार बिल्कुल सही, द डेंस देखो क्या दिया हुआ डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल इज दिया हुआ है, रिप्रेजेंट करना हम लोग, हम कर लेंगे यार इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v, ये क्या देगा 2πr/√gm/r, निकाल के आते हैं ना 2π√ जी एम आर की पावर 3/2, ऐसा निकाले थे, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो स्क्वायर, तो क्या जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² r³/gm, हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही। अब देखो हमें किसे लिखना है, डेंसिटी के फॉर्म में किसे लिखना है, डेंसिटी के फॉर्म में, तो लिख दो यार ये क्या जाएगा 4π² r³ g इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 3π/gd, 3π/gd, तो देखो टी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है टी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल था, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, तो पहले हमें ये सब क्वेश्चन टच करना था, बाद में लेंस वाला क्वेश्चन टच करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो एसएचएम से क्वेश्चन पूछा, अगला किससे है एसएचएम से, करो इसको क्या होगा बताओ, करो जल्दी इसको क्या होगा, वैसे निकालो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है ए साइन, बेसिक से कर लो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx/dt, हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही सर, लिख लो इसको, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हाँ ना, बोले यार बिल्कुल सही, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा d2x/dt², कोई बुराई नहीं, तो क्या देगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये तो पता है हम लोग को, है ना, बोले यार बिल्कुल सही, हमें क्या निकालना है t
टी इक्वल टू टू सेकंड पे एक्सीलरेशन पार्टिकल निकालना, टी इक्वल टू टू सेकंड पे निकाल लेंगे यार। तो माइनस ए एम्पलीट्यूड कितना है, वन है, इंटू ओमेगा टू पाई बाई टाइम पीरियड कितना है, आठ सेकंड है, का होल स्क्वायर साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है टू पाई बाई टी कर दो यार, कोई बुराई नहीं, टू पाई बाई टी इंटू कितने पे निकालना है, दो सेकंड पे, कोई बुराई नहीं, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टू टाइम, तो साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, वन, कितना हो जाएगा साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, वन, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। मतलब एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस फोर, ये तो काट दो ना, फोर टाइम्स कट जाएगा, फोर टाइम्स कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई सोलह, माइनस पाई स्क्वायर बाई सोलह मीटर पर सेकेंड, माइनस पाई स्क्वायर बाई सोलह मीटर पर सेकेंड, हाँ ना बोले यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई बुराई नहीं, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सेमीकंडक्टर से आ गया, गेट का क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था जब कराया था, क्या बोलते हैं आपको, जब भी मैं कराया था ये ऐसा ही क्वेश्चन कराया था आपको अभ्यास में, है कि नहीं, लास्ट टाइम भी बोला था, अभ्यास से कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो अभ्यास से ही बस बस लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन आ रखे हैं। ये कैसा है, नॉट गेट, हाँ ना बोले यार, ये भी कैसा है, नॉट गेट, ये क्या है, नैंड गेट, हाँ ना बोले यार, ये बी है तो ये आउटपुट क्या देगा, ए बार, ये आउटपुट क्या देगा, बी बार, ये आउटपुट क्या देगा, मतलब उल्टा कर देगा, हाँ ना बोले यार, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। और ये क्या देगा, वाई, ए डॉट बी, बार का बार, हाँ ना बोले यार, मतलब अगर जीरो डालोगे दोनों को तो क्या आउटपुट आएगा, वन वन, और ये वन वन डालोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो जीरो का जीरो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं। अब थोड़ा सा आउटपुट चेंज करके देखो, इसको वन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, वो तो ऐसे रहेगा, जीरो वन कहना चाहिए, जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, वन, मतलब जीरो वन पे वन, ये वाला है आंसर, हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही। ऐसा कराए थे हम लोगों ने नैंड गेट में, हाँ नॉन गेट में, अभ्यास बैच का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये प्योर अभ्यास बैच का क्वेश्चन है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अभ्यास बैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभ्यास बैच भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अभ्यास बैच से ही आए हैं, ठीक है, और बाकी सब तो क्लास नोट से ही, अगर मेरा नोट्स पढ़ लो तो जेई मेंस निकाल दो, ये तो कुछ है ही नहीं, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, रिवर पे मान लो कोई पानी, ये क्या है बेटा, पानी, पानी जल की रानी, इसके ऊपर ऐसे ब्रिज बनाते हैं, है ना बोले यार, इसको मान लो ब्रिज बना दिया कहीं पे, कि यहाँ पे ऐसे ब्रिज है इसके ऊपर, है ना बोले यार, यहाँ से मान लो इसका हाइट एच, ठीक है, क्या बोला हुआ है, ब्रिज, अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, यहाँ से कोई खड़ा है, कोई तुम्हारे ऐसा हैंडसम लड़का खड़ा है, हाई हैंडसम, हाई हैंडसम खड़ा है, है ना बोले यार, बिल्कुल सही, हैंडसम बॉय, हाय हैंडसम खड़ा, कोई बुराई नहीं सर, ये तुम ही हो हैंडसम बॉय, ठीक है। थ्रोज अ बॉल वर्टिकली विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे फेंका 4 मीटर पर सेकंड से बॉल को, है ना बोले यार, बिल्कुल सही, एक बॉल को फेंका, कोई बुराई नहीं सर। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर इन 4 सेकंड, ऐसे ऐसे 4 सेकंड में, 4 सेकंड में ये पानी को स्ट्राइक किया, 4 सेकंड में। द हाइट ऑफ द ब्रिज, क्या पूछा हमसे, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द सर्फेस, डायरेक्ट लगा देंगे मोशन ऑफ ग्रेविटी, कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट लगा दें मोशन ऑफ ग्रेविटी। ऐसे आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है कि नहीं, पहले टाइम फिर इसको ऐड कर दो, उसमें से इसको यहाँ से निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी से, वहाँ से माइनस करके, वहाँ से माइनस कर दो उसका स्क्वायर रूट, लो कोई फायदा नहीं उससे, डायरेक्ट लगा दो मोशन ऑफ ग्रेविटी, है ना बोले यार। मान लो ये हाइट तो है कि नहीं, तो माइनस एच, इतना हाइट नीचे आना है क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, है ना बोले यार, फेंके किससे, एस इक्वल टू यू टी, ऐसे लगा देंगे एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लगा देंगे इसको, आना बोले यार, तो क्या जाएगा, माइनस एच इक्वल टू क्या जाएगा बताओ, यू 4 × 4 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 4 का स्क्वायर, कोई बुराई नहीं सर, जी के पहले 10 लेना ना, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो माइनस एच इक्वल टू कितना जाएगा, 16 माइनस हाफ इंटू, ये तो 5 हो जाएगा, देखा 5 × 16, कोई बुराई नहीं, इसको हटा दो, ये तो खत्म हो गया ना, कोई बुराई नहीं सर। तो माइनस एच कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16 पहुँचे 80, तो कितना हो जाएगा 80, 64 आएगा, एच कितना आ जाएगा 64 मीटर,
64 डायरेक्ट आ जाएगा, उतना करने लंबा करने की जरूरत नहीं। पहले टाइम ऑफ फ्लैट निकालो, फिर इसको माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर यही क्वेश्चन लगाओ, इससे फायदा डायरेक्टली लगा दो, कोई बुराई नहीं सर। मतलब देखो आपने देखा काइनेमेटिक्स का बहुत तगड़ा वेटेज था, इस बार काइनेमेटिक्स का बहुत तगड़ा वेटेज था, ठीक है, इसलिए काइनेमेटिक्स छोड़ के नहीं जाना, उसका बहुत ही तगड़ा वेटेज था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा जो आपके स्क्रीन पे है, टू थिन लेंसेस, पतली पतली सी लेंस है ऑफ सेम फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ क्या है सेम है, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, कोई बुराई नहीं सर। देन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऐसे रखा हुआ है, थंब से पूछा हुआ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ एल्फ है, इसका क्या होता है माइनस एफ, तो वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जीरो, हाँ बोले यार बिल्कुल सही, तो एफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या है बेटा इन्फिनिटी, हाँ बोले यार बिल्कुल सही। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मान लो कन्वर्जिंग है और एक क्या है डाइवर्जिंग है, हाँ बोले यार बिल्कुल सही, तो अगर रे आएगा, रे आएगा अगर ऐसे पैरेलल रे जाएंगे, ऐसे पैरेलल रे जाएंगे, ठीक है, तो पहले ऐसे पैरेलल रे जाएंगे, फिर क्या करेंगे बताओ, यहाँ से कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा यहाँ से कन्वर्ज करेगा, और यहाँ से क्या करेगा डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा डाइवर्ज करेगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बनेगा, ऐसे मतलब कि अगर मिनटॉस जिंदगी की बात करें तो मिनटॉस जिंदगी, ये तो था आम जिंदगी, क्या था ये आम जिंदगी, सब लोगों ने किया, अगर ऐसे देखो लॉजिक से मिनटॉस जिंदगी मतलब ये आम जिंदगी और ये है मिनटॉस जिंदगी, हाँ ना बोलो यार बिल्कुल सही। अगर इसको देखेंगे तो ये पैरेलल आ रहा है, ये कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, तो ये काट देगा तो पैरेलल मतलब कहाँ जाएगा इन्फिनिटी होगा, कोई बुराई नहीं सर, क्या होगा इन्फिनिटी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा पढ़ो इसको, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दिया हुआ है अ वायर कैरिंग करंट आई, ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस है कि नहीं, हाँ ना बोलो यार, तो ये हो जाएगा आई कैप में, करंट कहाँ है आई कैप में, आई है ना, आई कहाँ पे है आई कैप में, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही सर। पॉजिटिव एक्सिस हैव लेंथ एल, लेंथ क्या है एल, इट केप्ट मैग्नेटिक फील्ड करिएगा, ये दिया कोई बुराई नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा आई एल क्रॉस बी, हाँ ना बोले यार आई एल बी होगा, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सर, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी कोई बुराई नहीं सर, आई लव क्रॉसिंग बॉयज, आई एल क्रॉस बी कोई बुराई नहीं सर। आप देखो सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ के लॉन्ग दिया हुआ है, तो लेंथ कहाँ पे है एक्स एक्सिस में, लेंथ कहाँ पे है आई कैप में, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही, तो फोर्स क्या हो जाएगा आई एल आई कैप का क्रॉस किसके साथ बेटा, एल आई कैप का क्रॉस किसके साथ बी के साथ, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप, कर लो इसको, तो फोर्स क्या जाएगा बताओ, फोर्स आ जाएगा, फोर्स क्या जाएगा बताओ, फोर्स आ जाएगा आई एल हो गया, आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, आओ यहाँ लेना ना ऐसे होता ना ऐसे ऐसे आई जे के, तो देखो आई क्रॉस जे क्या होगा के, आई क्रॉस जे क्या होगा के, तो क्या देगा थ्री एल के कैप, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही। अब के क्रॉस आई क्या होगा, देखो अगला क्या है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे करें तो सेम होगा, ऐसे करें तो उल्टा हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या आएगा जे, तो क्या जाएगा फोर एल जे कैप, हाँ ना बोले यार बिल्कुल सही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फोर्स हो जाएगा आई इसका थ्री इंटू फोर क्या है फाइव, फाइव एल आई फाइव एल, ये वाला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सब लोगों ने कर लिया इसको, कुछ नहीं है बस कैलकुलेशन था, कुछ भी इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अच्छा था, ये भी देखो काइनेमेटिक्स है, ये मैंने काइनेमेटिक्स मेरे क्लास नोट्स मिलेगा आपको, लेक्चर नोट मिल जाएगा, ये मेरे लेक्चर में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, कितने लेक्चर नोट में आपको दिखाऊंगा मैं, कितने अभ्यास वैसे हैं मैंने कराया, कितने लेक्चर नोट में आपको सब दिखाऊंगा लास्ट में। अभी पढ़ लेते हैं पांच सात क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लास्ट में दिखाऊंगा आपको सारे लेक्चर नोट्स हैं। अ बुलेट गन इज फायर्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर वुड, ठीक है, विद वेलोसिटी यू, द बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक एंड इट्स लेंथ
ठीक है, एंड इट्स लॉन्थ हॉरिजॉन्टली लेंथ एंड बुलेट बिकम्स यू बाई थ्री, तो 24 सेंटीमीटर चला था, वेलोसिटी कितना हो गया यू बाई थ्री, ठीक है, कोई बुराई नहीं सर। तो देन फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक क्या निकालना, टोटल निकाल लेंगे यार, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही। तो ये क्या जाएगा बता, ये यू बाई थ्री हो गया माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स, कोई बुराई नहीं, कितना जाएगा ये, यह जाएगा एट यू स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू टू ए एक्स, हाँ ना बोले यार, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कितना जाएगा, अब कहाँ चला गया, अब कितना चले, ये तो 24 सेंटीमीटर चल गया, ठीक है, अब कितना चले कि क्या हो जाए जीरो, मतलब अब लगा दो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स टू, कोई बुराई नहीं सर। अब लास्ट क्या हो गया, वो जीरो हो जाएगा, रुकना है उसे, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा टू ए एक्स टू, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, रिटार्डेशन हो रहा है, पता है ना हम लोग को रिटार्डेशन हो रहा है, डायरेक्ट अपने काट देना, रिटार्डेशन हो रहा है, कोई बुराई नहीं सर। या फिर यहाँ पे देखो ना, ये सब तो माइनस ही आएगा ना, ये कितना सर, सब तो माइनस ही आएगा ना, सब रिटार्डेशन हो रहा है, अपने आप कट जाएगा, सब पता है ना हम लोग को, ये तो पता होगा, हाँ ना बोले यार, बिल्कुल, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन क्या है टू, मैंने सेम कराया लेक्चर नोट में, अब सॉल्व करो दोनों को, कितना जाएगा एट बाई नाइन इक्वल टू कितना जाएगा एक्स बाई एक्स टू, ये एट बाई नाइन इक्वल टू एक्स कितना है 24 बाई एक्स टू, ये कट जाएगा थ्री टाइम्स, तो एक्स टू कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, ये सब लेक्चर नोट पर कराया हम लोग का सारा क्वेश्चन लेक्चर नोट से, आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस लेक्चर नोट से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर, ऐसे सब लेक्चर नोट का, मेरा सब लेक्चर नोट का, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री कितना दिया हुआ इस 2 ओम एंड इतना होम एट 80 डिग्री, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टेंस हमें पता है आर क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना बोले यार, बिल्कुल सही, कितना हो गया 6.8 इक्वल टू आर नॉट, कितना दिया हुआ है 2 होम 1 प्लस अल्फा, अल्फा नहीं दे रखा ना, नहीं हमें अल्फा ही निकालना है, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 80 डिग्री बस 0 डिग्री कर लो इसको, तो कितना जाएगा 3.4 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 80, सुधर ले 2.4 इक्वल टू अल्फा इंटू 80, अल्फा कितना हो गया 2.4 बटे 80, देखो 0.03 आ रहा होगा, आ रहा है, कितना देगा 8 × 3 = 24, 3 डिवाइड बाई 100 मतलब 3 × 10⁻², ये वाला आपका आंसर आएगा, ये वाला आपका आंसर आएगा। देखो एक बार कैलकुलेशन करो आप भी, यही आ रहा है ना, क्या करो कैलकुलेशन, इसको कर लिया ना बेटा, यही आ रहा है कैलकुलेशन, सब कर लिए होंगे, यही आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला देखो फिर डायपोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन, देखो डायपोल से पर दो क्वेश्चन आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या दिया हुआ है, इस पर दिया हुआ है एट पॉइंट पी, हमें क्या निकालना है पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल, निकाल लेंगे यार पोटेंशियल पॉइंट पी पे, पहले इसी कारण लिखो, तो के क्यू अपॉन 2 × 10⁻², ये 5 है और ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये 5 है ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 8 सेंटीमीटर, है ना बोले यार, बिल्कुल। अब माइनस के लिए माइनस के क्यू बाई 8 × 10⁻², सॉल्व कर लो इसको, तो क्या जाएगा पोटेंशियल वी पी, क्या जाएगा के क्यू इंटू 10⁻², 1/2 -1/8, सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा KQ आएगा बेटा, आई क्या जाएगा इसको सॉल्व करो इसको, ये क्या जाएगा 3/4 × 10⁻², ये तो दिया हुआ है, इसके फॉर्म में लिखना है, तो 3/4 KQ, 3/8 नहीं ना, 3/8 KQ, तो ये होगा 3/8 KQ, कोई बुराई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, आना बोले यार, बिल्कुल सही, तो करंट क्या जाएगा उसके थ्रू क्या बनेगा E/10R, कोई बुराई नहीं सर। ऑफ सेमी ये दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ नेगलिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो अगर जे ही का होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी देता, ठीक है, बस नीट का इसलिए नहीं दिया, एंड दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो करंट पैरेलल क्या हो जाएगा E/कम हो जाएगा ना पैरेलल में, आना बोले यार, क्या देगा
आर बाई टेन, तो आई पैरेलल क्या हो जाएगा टेन ई बाई आर, है ना? बोले यार बिल्कुल सही। द करंट इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स, करंट कितना बढ़ गया एन टाइम्स बढ़ गया, मतलब जो सीरीज में करंट था वो पैरेलल कितना हो गया एन टाइम्स बढ़ गया। तो एन क्या आ जाएगा यार, एन हो जाएगा आई पैरेलल अपॉन आई सीरीज, तो आई पैरेलल कितना हो जाएगा टेन ई बाई आर, इसको सीरीज में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा ई इंटू टेन आर, ये कट गया ये कट गया, कितना आ गया 100, कोई बुराई नहीं सर, ये आ गया, आया समझ में, है ना? बोले यार बिल्कुल सही। चलो अगली बात दिया हुआ है, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इसके कारण कहाँ आएगा अंदर, इसके कारण कहाँ आएगा अंदर, और इसके कारण कहाँ आएगा बाहर, ये सेमी सर्कुलर है, तो पहले इसके कारण बी वन, इसके कारण बी टू, और इसके कारण बी थ्री, इन दोनों कारण कहाँ आएगा अंदर, कहाँ आएगा अंदर, इसके कारण कहाँ आएगा बाहर, तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, है ना? बोले यार, तो बी वन कितना आ जाएगा, ये तो सेमी सर्कुलर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, कहाँ अंदर, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, फोर पाई आर, कहाँ अंदर, कोई बुराई, अब वो कहाँ आएगा बाहर आएगा, तो क्या जाएगा प्लस म्यू नॉट आई बाई फोर आर, कहाँ जाएगा बाहर। अब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो, तो टू अपॉन पाई, फोर आर तो बाहर आ जाएगा, जब सॉल्व करो तो क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई फोर आर, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसको माइनस कर दें, अगर इसको ले ले माइनस, इसको ले ले प्लस, इसको बोल दे बाहर को बोल दे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस, ये क्या जाएगा वन माइनस टू अपॉन पाई। अब ये बड़ा है तो कहाँ जाएगा, ये बड़ा है तो कहाँ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेज, मे नॉट आई अपन फोर पाई, इन टू द पेज नहीं, ठीक है पॉइंटेड इन टू द पेज नहीं, आउट ऑफ द, अवे फ्रॉम द पेज, ये क्या है पेज से बाहर और ये पेज के अंदर, कोई बुराई नहीं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल था, मुझे लगता है यही सब क्वेश्चन करना चाहिए आपको, वो तो टच ही नहीं करना चाहिए वो फ्लेम वाला, क्या बोलते हैं लेंस वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट, एट से क्या होता है 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, सही आता है मेरे को जहाँ तक याद है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0.53 इंटू एन स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, रख दो बस वैल्यू रख दो डायरेक्ट 0.53, ये दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द इनर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ है, कोई बुराई नहीं सर। द रेडियस ऑफ द थर्ड, हमें क्या पूछा है थर्ड ऑर्बिट का पूछा है, थर्ड ऑर्बिट का, है ना? बोले यार, तो नाइन टाइम्स हो जाएगा, नाइन टाइम्स हो जाएगा, कोई बुराई, इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा नाइन टाइम्स हो जाएगा ना, मैं पूछ सकता हूँ रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो एक का दिया हुआ है हमें एन का पूछा है, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना हो जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये इन टू एन, तो वन अपॉन एन नाइन आ जाएगा ना, आ जाएगा ये नाइन इंटू आर, कितना आ जाएगा ये सॉल्व कर लो इसको, नाइन इंटू नौ पचे पैंतालीस, और ये नौ पचे पैंतालीस, और ये तो ये शायद 4.77 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, कैलकुलेशन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें भी कैलकुलेशन है, इसमें भी कैलकुलेशन है। देखो द नेट इम्पीडेंस, हमें क्या निकालना है इम्पीडेंस, जेड क्या होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, है ना? बोलो यार बिल्कुल सही। अब एक्सएल निकाल लो, एक्सएल क्या हो जाएगा ओमेगा एल, है ना? बोलो यार बिल्कुल सही। अब ओमेगा कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, है ना? बोलो यार बिल्कुल सही, क्या दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, रखो इसको तो कितना जाएगा ये 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, एल की कितना देखा है 50/π इंटू 10^-3, है ना? बोले यार बिल्कुल सही सर, ये कट गया 5×10, ये और ये कट जाएगा, तो एक्सएल कितना आया 5 ओम, कितना आया बेटा 5 ओम। अब बात करते हैं एक्सी की, तो एक्सी कितना होता है बेटा 1/ωc, ये क्या देगा 1/2πfc, ये क्या देगा 1/2π, एफ की वैल्यू कितना है
इंटू 50 इंटू सी, सी क्यूल कितना रखा है 10^3/π। ये कट गया, ये और ये कट गया, किसमें दिया है माइक्रोफेरेड में, 10^3 माइक्रोफेरेड था, 10^6 तो होगा, तो कितना देगा ये जो कट गया 5 × 10, ये 10^ क्या आएगा -1, मतलब xc कितना आया 10 ओम के बराबर। अब रख दो सबको, जेड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, जेड निकालना है, तो रखो इसको xl माइनस xc रख दो, तो कितना देगा 10 − 5² प्लस रेशन कितना देगा 10² तो z कितना आ गया 125, कितना देगा 5√5, ये वाला आपका आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। तो ये सब रहे बेटा सारे क्वेश्चंस जो हम जो नीट ने पूछे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ भी टफ नहीं था, कुछ भी टफ नहीं था। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमारे लेक्चर नोट से दिखाता हूँ आपको, कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा लेक्चर नोट से, अगर कोई लेक्चर नोट ही पढ़ लेता मेरा तो सारा क्वेश्चन लेक्चर नोट से था। देखो पहला क्वेश्चन लेक्चर नोट से, पहला क्वेश्चन लेक्चर नोट से, सेम सेम का सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेक्चर नोट से, ये तो पहली क्लास में कराते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेक्चर नोट से। बस हमने क्या किया था, यहाँ पे 4 वोल्ट दिया था, क्या दिया था 4 वोल्ट दिया था। इसमें डाटा चेंज है, मतलब कि 50% एफिशिएंसी दिया था, लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं था, मतलब ये भी लेक्चर में कराया है, कैलकुलेशन बस नहीं था। अगला देखो, सेम लेक्चर नोट से, लेकिन हम लोगों ने रूट के फॉर्म में दिया था, हम लोगों ने ऐसा दिया था कि कट के आ रहा था, सारा कुछ क्या आ रहा था, कट के आ रहा था। अगला देखो, ये भी देखो, ये तो पहली क्लास में कराते लेक्चर नोट में, ये देखो ये भी लेक्चर नोट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग डायरेक्ट पी निकलवा के छोड़ देते थे। चलो अच्छा क्वेश्चन था, ये तो पता ही है, क्लास में करवाते हैं, लिखवाते हैं हम लोग, नोट्स में लिखवाते हैं, ये सब नोट्स में लिखवाते हैं, सब नोट्स का, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, पिछली बार पूछ चुका है, सब PYQ का, सब नोट्स का, ये भी नोट्स का पहली क्लास का, ये भी नोट्स का पहली क्लास का। मैं बताया था कि एक्सरे से क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं आया, इस बार आएगा, देखो आया एक्सरे का, बोल रहा था बहुत सालों से नहीं आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर का इस बार पूछ दिया है कि नहीं, मैं पढ़ाया हूँ ट्रांसफार्मर, इस बार पूछ दिया। ये तो लेक्चर नोट का है बेटा, ये सब लेक्चर नोट आपको एज इट इज मिल जाएंगे, ये भी लेक्चर नोट में एज इट इज मिल जाएगा आपको, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं दिया था मैंने, पर लिखा पूरा रखा था, एज इट इज मिल जाएगा। ये भी देखो लेक्चर नोट का क्वेश्चन है, एज इट इज मिल जाएगा आपको, ये भी लेक्चर नोट का क्वेश्चन है, ये तो मतलब इससे भयानक क्वेश्चन करा रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इसे भयानक कर रखा है, इसे सब लेक्चर नोट का। मैंने 85 × 3 दिया था, ये देखो ये पूछ दिया, ठीक है, ये लेक्चर में नहीं कराया पर पढ़ाया है ऐसा, ये तो लेक्चर नोट का, क्या पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, सब लेक्चर नोट का पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। ये भी कराया है, सेम कराया, बस वहाँ पे 4 दिया था डाटा, सरफेस टेंशन सब कुछ लेक्चर नोट का, ये तो सर पहली क्लास में कराते हैं, बहने बहने पढ़ा रखा हूँ, पता नहीं क्या है। ये भी लेक्चर नोट का है, तो पता नहीं कितने करा रखे हैं हम लोग, सब लेक्चर नोट का। ये मैंने बताया था देखो पूछ भी दिया, और हमने टेस्ट सीरीज में भी डाला था, ये सब तो क्लास का है, सभी पढ़ाते होंगे, सभी के लेक्चर नोट मिल जाएगा, मेरे लेक्चर नोट में, ये भी मेरे लेक्चर नोट में पहली क्लास में, ये सब पहली क्लास, सब लेक्चर नोट मिलेगा। ये भी लेक्चर नोट, सेक्शन ए का पूरा लेक्चर नोट का, सेक्शन भी कराया है हमने, ये भी कराया हमने, और हमने तो क्या दिया था, कॉनकेव दिया था, और भयानक बनाया था मैंने तो। ये भी लेक्चर नोट, सेक्शन भी मैं करने वाला सवाल था, एक को छोड़ के, ये थोड़ा लेंदी था, बाकी सब आसान था। लेक्चर नोट, ये भी लेक्चर नोट, ये तो लेक्चर नोट और टेस्ट में भी दिया है, ये तो लेक्चर नोट अभ्यास और टेस्ट में भी आया है। लेक्चर नोट, ये लेक्चर नोट में कराया नहीं है पर ऐसा बताया है, कराया नहीं लेक्चर नोट पर ऐसा बताया है। लेक्चर नोट एकदम डिट्टो, डाटा भी वही है, लेक्चर नोट डाटा भी चेंज नहीं है, लेक्चर नोट डाटा भी चेंज नहीं है। ये मतलब बताया था 50-50 लेके बताया था मैंने, 50-50 लेके बताया था,
ये तो कराया यार लेक्चर नोट में, और ये भी लेक्चर नोट का। तो मैक्सिमम आपने ये देखा कि नीट के जो मैक्सिमम सवाल है कहाँ से पूछे गए हैं, मेरे लेक्चर नोट से ही पूछे गए हैं। तो आपको जो भी टीचर पढ़ाता है आपको लेक्चर नोट ध्यान से पढ़ना है। नीट का मैक्सिमम सवाल क्या होता है, लेक्चर नोट से ही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सारा सॉल्यूशन, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो एक शेर लिखा हूँ मैं आपके, वो सुनाता हूँ और सेशन को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। एक शेर लिखा था आपके लिए, वो सुनाता हूँ, ठीक है बेटा। देखो क्या लिखा, तो शेर कुछ इस तरह था बेटा, मैंने आप लोग को लिखा, आप लोग के लिए लिखा था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब मैक्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे मैक्सिमम बच्चे क्या होता है फीस में डरते हैं नीट से, तो उन पर मैंने लिखा था एग्ज़ाम से पहले, डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर, नीट वालों को फिजिक्स नहीं आएगा, डर तुझे ये समझाएगा, तू अपना आत्मविश्वास, आत्मविश्वास दिखाएगा, तू डर से आँख मिलाएगा, डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर, प्रिपरेशन के डर, प्रिपरेशन के हर मोड़ पे फिजिक्स का ये डर तुझे सताएगा, उसी दर्द का फ़ायदा बिना चूके ये डर उठाएगा, और तुझसे कहेगा कि तू आगे नीट नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर देख पाएगा कि तू हार जाएगा, तेरी मैकेनिक्स की कमजोरी पे पर ये डर अपना घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा, उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा, और उसी दिन डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होकर खेल, डर से मत डर, डर से मत डर, डर से मत डर, आगे बढ़, भुला दे डर, कुछ अलग कर। ऑल द बेस्ट।